कुछ नोटिस किया? फिर से दिखाता हूँ, ये देखो यार, ये अच्छा नहीं किया कंपनी ने मुझे लगता है। मुझे पता है अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताई है भाई, इसमें यूएसडी सस्पेंशन आ गए हैं, एलईडी ब्लिंकर्स आ गए हैं, नए ग्राफिक्स आ गए हैं, यूएसबी ए चार्जिंग पोर्ट मिलता है, 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बना रही है। टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने इसके इंजन से निकाल दी है। 2024 में बाइक का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला हो गया है। क्यों? क्योंकि बजाज कंपनी जो है अपनी सभी बाइक को अपडेट पर अपडेट नए नए फीचर जो है लाती जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही तो इन्होंने पल्सर N160 को अपडेट किया था, जिसमें फुल्ली डिजिटल मीटर दे दिया था भाई। लेकिन भाई कंपनी को तसल्ली नहीं है, कस्टमर को खुश करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए कंपनी लगातार काम कर रही है। N160 को अब सेगमेंट में एक बार फिर से उन्होंने किलर बना दिया है, अपाचे को दूर दूर तक पीछे पछाड़ दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने इसमें USD सस्पेंशन दे दिए हैं, LED ब्लिंकर दे दिए हैं और मीटर में भी कुछ नया अपडेट किया है। यदि आप अपने लिए 160cc के सेगमेंट में एक बेस्ट स्पोर्ट बाइक लेना चाहते हो, तब तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर कोई और। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, लेकिन ब्लैक कलर में जो किलर लगती है ना, वो सबसे अलग। ग्राफिक्स भी देखो अपडेट कर दिए हैं। पास से मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और वजन की। इस बाइक का कर्व वेट है 156 kg, 156 किलो की ये बाइक है। इसकी सीट हाइट है 790 mm की और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 165 mm का। इसकी लेंथ है 1989 mm की, विड्थ है 743 mm की, हाइट है 1050 mm की। इसमें व्हील बेस मिलता है 1358 mm का। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल, इसकी फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिए हेड हैंडल ORBM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। भाई पीछे क्या देख रहे हो, अपाचे खड़ी है 4B वाली, डुअल चैनल ABS वाली, उसके साथ में इसका कंपैरिजन आने वाला है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेकेड हेड मिलता है, ये देखिएगा यहाँ पर DRLs मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए, इस बाइक में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके DRL ऑन नहीं हुए, नहीं प्रोजेक्टर हेडलाइट ऑन हुई। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की, यहाँ पर कंपनी ने बहुत बड़ा अपडेट किया है इस बाइक में। इस बाइक में USD सस्पेंशन दे दिए हैं, ये देखो भाई, और ये गोल्डन कलर के हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लुक इसको दे रहे हैं। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट मडगार्ड का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है, डुअल पार्ट में दिया गया है, स्पोर्टी लुक दे रहा है इसको। इस बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं टायर की, योर ग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर इसमें ऑफर किए गए हैं, ये देखो। बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल की, 180/17 है। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। आइए बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में 12 चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में कंपनी ने 300 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, ये देखिएगा 12 ABS, और इसमें ग्रिमका के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। इस बाइक के टैंक का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर ये देखो टैंक ऑल पर। पल्सर को 3D में तो मेंशन किया ही है, बल्कि यहाँ पर ये देखो नए नए ग्राफिक्स इसमें एड ऑन कर दिए हैं, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बना रहे हैं। टैंक उसी डिज़ाइन में है, मेटल में मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। E20 का सपोर्ट मिलता है। इस बाइक में USB-A चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये मोड का बटन दिया गया है, साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया है बटन, उसके नीचे हॉर्न का बटन। इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड इंजन किल स्विच, उसके नीचे यहाँ पर डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिलता है, और उसके नीचे एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक के साथ में कुछ इस तरीके की चाबियाँ आती हैं, नॉर्मल चाबी है, कोई भी वेब की नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें बहुत कुछ नया मिल रहा है, तो अभी इससे इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। कुछ दिखा आपको, कुछ नोटिस किया? फिर से दिखाता हूँ, ये देखो
टर्न बाई टर्न नेविगेशन और इसमें 3 राइडिंग मोड भी एड ऑन कर दिए गए हैं, रोड, रेन और ऑफ रोड। ये 3 राइडिंग मोड आ गए हैं इसमें। बात की जाए इसमें फीचर्स की, काफ़ी सारी मिल जाती हैं, जैसे कि आरपी मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन आ गया है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है और इसमें IFE देख सकते हैं, AFE देख सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर जो हैं इसमें मिल जाते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक मोड का बटन दिया गया है, ये देखिएगा, यहाँ से अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और भाई यदि आपको राइडिंग मोड चेंज करने हैं तो उसके लिए यहाँ पर 2 बार प्रेस करना होगा, देखना अभी इसमें रोड मोड लगा हुआ है, जल्दी जल्दी, ये देखो रेन मोड हो गया, फिर से दिखाऊं, ये देखो ऑफ रोड हो गया। सिंगल बार प्रेस करते हैं तो इसमें डिटेल देख सकते हैं, डबल प्रेस करते हैं तो रोड मोड आ गया। ये भाई एक ट्रिक है, मुझे पता है अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताई है, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI4 स्टॉक 2 वॉल्व बजाज कंपनी का स्पोर्ट सेगमेंट में काफ़ी बेहतर और दमदार इंजन लगाकर दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.68 BHP की 8750 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.65 न्यूटन मीटर का 6750 RPM पर। जी हाँ, मैंने आपको बताया एयर कूल्ड इंजन। अब आप कहोगे इसमें तो भाई N160 में ऑयल कूल्ड इंजन आता है। नहीं भाई, ये जो कंपनी ने अपडेट किया है ना अभी, इसमें ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने इसके इंजन से निकाल दी है, अब ये एयर कूल्ड ही रह गया है। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। इस मोटरसाइकिल में टोटल 5 गियर मिलते हैं, ये देखिएगा पैटर्न है, फर्स्ट डाउन ऑल अप, सिंगल लीवर के साथ में है। इधर ये देखिए इंजन काउल लगा कर दिया है, इंजन गार्ड लगा कर दिया है, क्रैश गार्ड भी यहाँ पर लग जाता है, अभी नहीं लगा है इसमें। राइडर फुटपैड ऑटो एंड फुल के साथ में है, क्रैश गार्ड आपको बाइक के साथ में ही मिलेगा, ठीक है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड दिया गया है, साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सीट की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में स्प्लिट सीट मिलती है, राइडर प्लेनली कंफर्टेबल है, पल्सर को मेंशन इधर ये किया गया है, इधर ये ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, N160 का ग्राफिक्स इधर लगा हुआ है सीट काउल पर, इधर ये चाबी लगाने का सेक्शन। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है, ये देखिए नेकेड चेनसेट मिलता है, इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है, इधर ये टायर हगर भी लगा कर दिया है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डबल साइडेड अटैच है। बात करते हैं रियर टायर की, रियर में भी कंपनी ने यूरोग्रिप कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है और रियर टायर प्रोफाइल है भाई 130/70/17। रेडियल टायर इसमें नहीं मिलता है और ये पता क्यों लगा होता है, अपने बाइक में देखा होगा ये व्हील का बैलेंस रखने के लिए। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं, इस बाइक के रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, टेल लाइट LED में मिलती है, ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं, नंबर प्लेट लाइट ये भी ऑन नहीं है, इधर ये रिफ्लेक्टर मिलता है, ये देखो दो साइड से अटैच है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है और रियर व्हील में कंपनी ने 230mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। कैलिपर्स दिखाऊं, ग्रिम का कहीं दिए गए हैं भाई। पिलियन फुट पैड, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, रियर ब्रेक ऑयल, रेड फुट पैड, रियर ब्रेक लीवर। इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, बजाज की ब्रांडिंग है भाई। इसका डिटेल वॉकराउंड कर लिया हमने, ठीक है आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये हो गई स्टार्ट। अच्छा, मोबाइल की जब कनेक्टिविटी इसमें मिलती है तो क्या क्या और फीचर्स मिलते हैं, मोबाइल में टावर, मोबाइल की बैटरी, कॉल, मिस कॉल, मैसेज, ये सब देख सकते हैं। सिंगल हेडलाइट में ये बाइक स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई, DRL ऑन हो गए और इसकी हेडलाइट को हम मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखना, बंद कर सकते हैं इसके प्रोजेक्टर को, DRL ऑन रहेंगे, रोपी भाई भी दिखाता हूँ,
ये रहे, इसी से ही लो बीम हाई बीम है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए आइडियल कंडीशन पर। अंडर वैली एग्जॉस्ट किया गया है, एग्जॉस्ट मोड। कैसा लगा इंजन साउंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए, भाई स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, परफॉर्मेंस तो अल्टीमेट मिलती है, माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर देती है, लगभग 45 के आसपास का माइलेज निकाल देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। भाई जो कंपनी ने अभी लेटेस्ट ये मॉडल अपडेट किया है, मुझे लगता है अब यही आने वाला है, तो आप सिंगल वेरिएंट ही मानकर चलिए। वैसे ये सिंगल चैनल ABS में भी आती है, ठीक है, कहीं कहीं पर वो वेरिएंट जो है मिल जाता है। एकदम से वो क्लियर नहीं करते हैं कि भाई कौन सा वेरिएंट हमारा आ रहा है, कौन सा वेरिएंट हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, कौन सा बंद कर दिया, कौन सा नया आने वाला, ऐसा नहीं भाई। डीलरशिप पे जो देखने को मिल जाए वही रहता है एक तरीके से। कहीं कहीं कोई बाइक अवेलेबल होती है, कहीं कहीं कोई बाइक अवेलेबल होती है। वैसे जो इनका टॉप एंड मॉडल है वो हर जगह ही अवेलेबल होता है। इसके एक्सोन प्राइस है लगभग 1,40,000 रुपये के आसपास, ठीक है, और ये बाइक ऑन रोड आते आते आपको 1,70,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके रफ आइडिया मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक के प्रोज एंड कॉन की, यानी कि प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की। भाई इस बाइक का लुक देखो अब, कितना ज़्यादा अग्रेसिव, कितना ज़्यादा स्पोर्टी एंड कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। भाई इसमें USD सस्पेंशन आ गए हैं, LED ब्लिंकर्स आ गए हैं, नए ग्राफिक्स आ गए हैं, USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है, 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, नेविगेशन मिलता है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, फुल LED हेडलैम्प सेटअप इसमें दे दिया है, और परफॉर्मेंस तो इससे अल्टीमेट मिल ही जाती है। कॉन की अगर बात की जाए तो भाई कंपनी ने इसमें कर दिया है कॉन। इसमें जब ऑयल कूल टेक्नोलॉजी आती थी तो कंपनी ने इसमें एयर कूल्ड, मतलब उस टेक्नोलॉजी को हटा दिया है। यार ये अच्छा नहीं किया कंपनी ने, मुझे लगता है। दूसरे कॉन की अगर बात की जाए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें अपडेट होना चाहिए था, रियर में रेडियल टायर नहीं मिलता है। इसको और अपडेट करते तो और मज़ा आता, ठीक है, और इसमें किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, ठीक है, जबकि इनकी NS में मिलता है। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात कीजिए, ओवरऑल जो कंपनी पैकेज दे रही है ना, अल्टीमेट सेगमेंट में भी कोई नहीं दे रहा है। मैं आपको ये बाइक जो है 100% रिकमेंड करता हूँ। परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए आप इसकी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।